मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय रेलवे से जुड़ी ही 50 इंपॉर्टेंट जो है जीके क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, सभी को पता होगा जैसे कि आरआरबी जेई, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, और भी एग्ज़ाम है जैसे कि एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, सीएचएसएल का, और एमटीएस का फॉर्म आपने भर दिया होगा। नहीं भरा है तो 29 तारीख उसकी लास्ट डेट है, 29 मार्च, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो को देख रहे हैं आप तो पूरी देखिएगा। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मात्र 3 क्वेश्चन देख रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन तो मात्र आपको झलकी दिखा रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड्स, आने वाली जो वीडियो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप आराम से वीडियो को देखिएगा। और आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो लाइव शेड्यूल है हमारी वीडियोज़ का। हम जो है लाइव भी पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, जीके जीएस और करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस भी आपको मिल जाएगी जो है पर डे पर। और संडे की जो क्लास रहती है वो संडे क्लास जरूर लीजिएगा। संडे को क्लास होती है 9:15 पर, उसमें हम 500 क्वेश्चन लेते हैं, जो भी पिछले वीक में मैंने पढ़ा दिए हैं उनको हम रिवाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो संडे की वीडियो जरूर देखिएगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहली बात क्या करना है, आपको बैठ जाइए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जो आता है नीचे उसको निकाल लीजिए। और क्या करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, 20 सेकेंड आपके पास होंगे, 20 सेकेंड के बाद हमें क्वेश्चन का आंसर देना है और मैं आंसर का जो जिस क्वेश्चन है उसका आंसर दूंगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या है, इनमें से किस शहर में भारतीय रेल के मध्य और पश्चिम दोनों डिवीजनों का मुख्यालय स्थित है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है मध्य और पश्चिम है, उसका मुख्यालय कौन से डिवीजन में आता है वो बता रहे हैं। ऑप्शन है चेन्नई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी मुंबई। तो फ्रेंड्स, आपके पास 20 सेकेंड है, बताइएगा क्या आंसर रहेगा इसका। और हमने काफ़ी टाइम इस पर जो लगा दिया है, तो फ्रेंड्स को आंसर देंगे, ये रहेगा मुंबई। क्या रहेगा, मुंबई रहेगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो फ्रेंड्स पहले मैं इसको पढ़ूंगा, लेकिन मैं ऑप्शन पढ़ूंगा, सॉरी क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। इसलिए इसके इसके साथ जो मैं आप बोलते जा रहा हूँ उसके साथ आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आंसर जो ऑप्शन पढ़ने उसके आंसर देना है। तो देखिए, क्वेश्चन है भारत का पहला रेलवे पुल कौन सा है और कहाँ पर है, ये भी मैंने इस वीडियो में बता दिया है, मतलब कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड बताइएगा क्या है इसका आंसर। ऑप्शन वन है बैम्बनाथ ब्रिज, ठीक है। ऑप्शन बी देखेंगे, ऑप्शन टू हेवे लॉक ब्रिज, या ऑप्शन सी है जुबली ब्रिज, या ऑप्शन डी डेपुरी बायोडॉक। तो फ्रेंड्स, सबसे पुराना जो है पुल बताना है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन फोर डेपुरी। क्या डेपुरी वायाडक्ट जो है पुल सबसे पुराना है, जो कि कहाँ है, मुंबई ठाणे मार्ग के मध्य में आता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ये रहा आपके पास 20 सेकेंड है आपके पास, देख क्या रहेगा, भारत में स्टीम इंजन का निर्माण कब बंद कर दिया गया। भारत में स्टीम इंजन जो बनते हैं, पता होगा पहले आपको कोयले से ट्रेन को चलाया जाता था, कोयले से क्या होता था, स्टीम बनती थी, मतलब कोयले से तो हीट बनेगी, लेकिन हीट से क्या होता था, उसको स्टीम बनाई जाती थी, कन्वर्ट किया जाता स्टीम में पानी को, ठीक है। तो जब स्टीम से इंजन चलता था फ्रेंड्स, लेकिन अब जो है स्टीम इंजन बनना बंद हो गए हैं, तो ये किस साल बंद हुए हैं आपको बताने हैं। आई थिंक आपको 20 सेकेंड मिल चुके हैं, तो आंसर आपको आना चाहिए सबसे पहले 1955, 1965, 1972 या 1985। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, 1972 में जो है स्टीम इंजन बनाना बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी आपको 20 सेकेंड मिले हुए हैं, बताइए क्या आंसर है। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन सबसे अधिक है। मैं एक हिंट बता रहा हूँ, सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है, सबसे बड़ा प्रदेश और सबसे ज़्यादा प्रदेश जो है बड़ा कौन सा है आपको बतानी, जनसंख्या सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस प्रदेश में है। तो ये अगर आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर भी जानते होंगे। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या महाराष्ट्र। सबसे पहले आपको आंसर देना है, कमेंट कीजिएगा क्या रहेगा। फ्रेंड्स, 20 सेकेंड आपके पास हैं, लगभग 20 सेकेंड हो चुके हैं, इसका आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो फ्रेंड ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट है बताना है, 2018-2019 में मुंबई के कोलकाता रेलगाड़ियों में क्या लोकल जो है मुंबई की लोकल रेलगाड़ियों में के लिए कितनी राशि आवंटित की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट कह सकते हैं और जीके भी कह सकते हैं इसको। जो बजट था 2018-2019 में जो मुंबई की लोकल रेलगाड़ी हैं उनके लिए कितना राशि आवंटित की गई है जो है इस बजट में, तो बताइएगा क्या आंसर है। 10,000 करोड़,
11,000 करोड़, 12,000 करोड़ या 15,000 करोड़। तो फ्रेंड 22nd आई थिंक हो चुके हैं, इसका आंसर होगा 11,000 करोड़। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आंसर भी देते जा रहे होंगे, और पसंद आए वीडियो तो देन आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑप्शन देखेंगे अगला, किस वर्ष भारतीय रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट की दर जो है बढ़ाकर 10 रुपये कर दी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट की जो दर है उसको बढ़ा दिया गया है, उसको 10 रुपये कर दिया गया है। ऑप्शन है हमारे पास 2013, 2014, 2015, 2016। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपका आंसर आ चुका होगा, तो आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड 2015। क्या रहेगा? ऑप्शन थर्ड 2015। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? रेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड देखिएगा, आई थिंक आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ ही लिखी हुई है और 22nd है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर 26 जनवरी, 31 मार्च, 16 अप्रैल या 15 अगस्त। तो फ्रेंड्स आपको बताना है रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो हमारा आंसर रहेगा डेफिनेटली थर्ड यानी कि 16 अप्रैल। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है ये रहा, तो फ्रेंड बताइएगा इनमें से किस शहर में रेल संग्रहालय नहीं है? रेल संग्रहालय नहीं है, बताना है फ्रेंड, जल्दी बताइएगा इसमें रेल संग्रहालय जो है किस शहर में नहीं है। ऑप्शन है नई दिल्ली, चेन्नई, नागपुर या पटना। फ्रेंड आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको 22nd है, आई थिंक आपको आंसर आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो फ्रेंड वेट कीजिए, इसका आंसर आपको मिलेगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पूरी देखिएगा अंत तक, उसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, पटना में जो है रेलवे संग्रहालय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप जो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेलवे डिवीजन की संख्या कितनी है? रेलवे डिवीजन की संख्या कितनी है? इसके साथ साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, पहले हमारे जोन थे 17 और अब हमारे 18 जोन हो चुके हैं, और 18 जोन देखिए जोन बनने वाला है 18वां जोन, तो फ्रेंड वो कौन सा 18वां जोन बनने वाला है भारतीय रेलवे का, मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आपको एग्जाम में आ सकता है और एक नंबर दिला के जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है हमारे पास 57, 67, 77 या 87। कितने डिवीजनों में भारतीय रेलवे बटा हुआ है, आंसर दीजिएगा। आप आई थिंक आपके 22nd कंप्लीट हो चुके हैं, आंसर रहेगा हमारा 2 यानी कि 67 जो है यहाँ पर डिवीजन है भारतीय रेलवे में। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है ये रहा, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो मैंने साथ ही साथ में रेलवे स्टेशन और वो कहाँ पर है वो भी लिख रखा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन पढ़िएगा, मैं आपको पढ़ देता हूँ, आपको आंसर यहाँ पर कमेंट करना है 22nd में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि मुंबई में है, ऑप्शन बी है बांद्रा रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में है, ऑप्शन सी है अंधेरी रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में है, या उपरोक्त में से सभी, मतलब कि सभी हमारे पास मुंबई में है, लेकिन आपको बताना है एक्चुअल में जो सबसे पहला रेलवे स्टेशन था वो कौन सा है। 22nd कंप्लीट हो चुके हैं, तो आंसर रहेगा 1, छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है वो सबसे पहले बनाया गया, सबसे पहला जो रेलवे स्टेशन का था वो हमारा कौन सा था, वो था रेलवे स्टेशन हमारा भारत का पहला रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, भारत का पश्चिमी तट रेलवे स्टेशन कौन सा है? पश्चिमी तट रेलवे स्टेशन कौन सा है? लीडो, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी ओखा या ऑप्शन डी गोधरा। तो फ्रेंड्स 22nd है, आंसर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए और कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स अगर आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर किसी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं देखिए आपको टाइम टाइम वीडियो लेके आता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता हूँ, ऐसा नहीं कि देखिए। और आप सभी लोगों को क्या होता है, कई स्टूडेंट जो होते हैं ये सोचते हैं कि भाई सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर ले, लेकिन सिंपल क्वेश्चन करेंगे 1000 क्वेश्चन करेंगे तब एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन करिए जो आ सकते हैं एग्जाम में। और अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और लगा है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड ओखा, ओखा जो है पश्चिमी तट रेलवे स्टेशन है भारत का। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन 2 राज्यों के बीच है? तो मैं बता दूं 2 राज्य कौन कौन से हैं, 2 राज्य एक तो मुंबई है, ये गुजरात है, तो गुजरात और मुंबई के बीच में जो है स्टेशन है वो कौन कौन सा स्टेशन, कौन सा स्टेशन है ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर करिएगा। सिर्फ एक स्टेशन है 2 राज्यों के बीच में, पहला राज्य मुंबई है और दूसरा है आपका
सर मुंबई नहीं महाराष्ट्र बोलूंगा, और दूसरा है गुजरात। तो ऑप्शन है हमारे पास नाबापुर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी है हमारे पास हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी है काजीकुंडा रेलवे स्टेशन, या ऑप्शन डी है हमारे पास घूम। जल्दी से आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स, 20 सेकेंड आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन वन नाबापुर रेलवे स्टेशन, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल डिवाइडेड हुआ है, अलग अलग डिवाइडेड हुआ है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका नाम जो है हमें पढ़ना है, जो कि बहुत बड़ा है और इसी की वजह से ये फेमस है। क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो फ्रेंड्स नाम है इसका सी वेंकट नरसिंहा राजू वारीपेटा, ठीक है। बहुत बड़ा नाम है और ये बड़े नाम के वजह से ही फेमस है। तो ऑप्शन है हमारे पास तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड यहाँ पर आई थिंक 20 सेकंड कंप्लीट, और ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर टू आंध्र प्रदेश, ठीक है। आई थिंक फ्रेंड ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिए। ऑप्शन आएगा, अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास भारत में सर्वाधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है। सर्वाधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है, हावड़ा है, न्यू दिल्ली है, लखनऊ है या मुंबई है। तो फ्रेंड हमारा आंसर रहेगा हावड़ा। क्या रहेगा, हावड़ा रहेगा। फ्रेंड्स अगर आपको और भी समय चाहिए क्वेश्चन को देखने के लिए, क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, वीडियो को पुश कीजिए, देन आप आंसर करिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ही रहा, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़िए और बताइए क्या रहेगा, मेट्रो मैन किसे कहते हैं। ऑप्शन है बी सिक्का, ऑप्शन हैगा टू यानी कि बी, ए प्रेम जी, ऑप्शन सी ई श्रीधर, ऑप्शन डी एस नडेला। तो फ्रेंड 10 सेकंड हो चुके हैं, 10 सेकंड मोर और आपको दिए जाएंगे। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को बताइएगा, कोई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और यहाँ पर ऑप्शन रहेगा आपका थर्ड जो आपका ई श्रीधर यहाँ पर आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है और पढ़िएगा आंसर को फ्रेंड। देखिए अब देखिए आपको पता होगा ISO सर्टिफाइड होता क्या है, और ISO सर्टिफाइड मिला हुआ है किसको, मिला हुआ सबसे पहले किसको मिला हुआ है। देखिए सभी को पता है, पहले एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जो हमारे रेलवे रहते हैं उनको ISO सर्टिफाइड किया जाता है। ओके तो ISO सर्टिफाइड किया जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम ISO 9001 ठीक है से 2000 सर्टिफाइड प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा था। सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था जिसने जो है ISO 9001 और 2000 जो है उसको सर्टिफाइड किया। ऑप्शन है आपका हजारीबाग रोड धनबाद मंडल, ऑप्शन बी हबीबगंज भोपाल मंडल, ऑप्शन सी बमहार रौली इलाहाबाद मंडल, या ऑप्शन सी हमारे पास गांधीनगर स्टेशन जयपुर मंडल। तो आंसर रहेगा आई थिंक आपके 20 सेकंड कंप्लीट आंसर रहेगा ऑप्शन टू भोपाल मंडल हबीबगंज जो स्टेशन है वो। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब आपको आंसर बताने हैं। देखिए भारतीय रेल कुल कितने देशों में चलती है, भारतीय रेल कुल कितने देशों में चलती है, जल्दी से आंसर दीजिएगा मुझे। यहाँ पर आंसर आना चाहिए आपके, भारतीय रेल जो है कुल अपने पड़ोसी देशों में ही चलेगी, तो अपने पड़ोसी देशों में किस किस पड़ोसी देशों में चलती है, आंसर बताना है आपको। 5 देशों में 7 देशों में 4 देशों में या 2 देशों में। और अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर पढ़ रहे हैं सही ट्रैक में पढ़ रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिख रहा है, आपको कमेंट करना है कि जो देश हैं अगर आपको पता है वो कितने हैं, तो आंसर दीजिएगा कितने हैं, उसके बाद लिखिएगा कितने को क्या क्या इन देशों के नाम है और कौन कौन सी ट्रेन के नाम से ट्रेन चल रही है। तो आपको आई थिंक ये क्वेश्चन जिंदगी भर तक याद रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड 4 देशों में चलती है। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आए और कमेंट करें आप मुझे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। आंसर आएगा क्वेश्चन ऑप्शन होगा हमारे पास सिकंदराबाद, ऑप्शन बी है हमारे पास नवी मुंबई, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी हमारे पास चेन्नई। तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, 20 सेकंड यू हैव, बताइएगा क्या आंसर है। 10 सेकंड 15 सेकंड के समथिंग हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर आंसर देखेंगे और फ्रेंड रिक्वेस्ट रहेगी आंसर अपना कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। आंसर रहेगा 1 सिकंदराबाद। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, PNR का फुल फॉर्म बताइएगा। आप जो टिकट करवाते हैं, रेलवे टिकट कराते हैं, उसमें PNR नंबर होता है। PNR नंबर क्यों होता है कि आप अपना PNR देख लें और आप पता चलाएं कि आपकी ट्रेन कहां तक आ गई है, आपकी सीट रिजर्व है या नहीं है, आपकी ट्रेन डिले है या नहीं है, सारी चीज़ें आप PNR से देख सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। PNR होता क्या है ये हमें बताना। ऑप्शन है हमारे पास पर्सनल नेम रिकॉर्ड, ऑप्शन बी पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, ऑप्शन सी हमारे पास पर्सनल नंबर रिकॉर्ड, या ऑप्शन डी है
पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो फ्रेंड बताइएगा क्या आंसर है इसका। 22nd कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पर आंसर है ऑप्शन 4 पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, बताइएगा क्या आंसर है। अब हमारे पास एक टर्म है SPTM, ठीक है, तो ये कि एक टर्म है लेकिन ये एक मशीन है एक तरह की। अब कौन सी मशीन है बता तो मैं आपको, फर्स्ट सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन, इसको हम बोलते हैं SPTM, ठीक है। ये टर्म्स जो है आपको याद करनी है, टर्म्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है आपको, तो जाकर वीडियो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहली स्वयं प्रिंटिंग मशीन जो है, टिकट की जो मशीन है, टिकट निकालती है, इसको ऑप्शन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं SPTM, कहाँ से सबसे पहले आरंभ हुई है, कोलकाता से, न्यू दिल्ली, चेन्नई या मुंबई। तो फ्रेंड आई थिंक आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे और आंसर भी कमेंट में कर दिया होगा। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन 2 नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा, थार एक्सप्रेस किन दो स्थानों को जोड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थार एक्सप्रेस किन दो स्थानों को जोड़ती है। ऑप्शन आएगा आपका, देखिए ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली लाहौर, जोधपुर कराची, ऑप्शन सी बीकानेर लाहौर, ऑप्शन डी जोधपुर और लाहौर। पर ये क्या आंसर है फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में आपका आना चाहिए आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22nd है आपके पास और 22nd कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 2, जोधपुर और कराची को जो है थार एक्सप्रेस जोड़ती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब देखिए मैं बता दूं आपको, वैसे तो हमारे पास रेलवे के लिए 100 से 150 समथिंग क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता दूं आपको मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंफ्रारेड किरण क्या है, इंफ्रारेड किरण क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, यांत्रिक तरंग है या चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ एक्चुअल में, देखिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, आरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो फ्रेंड आप जाकर देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एनटीपीसी के, जीके जीएस और करंट अफेयर के। करंट अफेयर मैंने वहाँ पर इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो 2015 का करंट अफेयर आया था, 2016 में जो एग्जाम हुआ था 2015 का करंट अफेयर आया था। तो फ्रेंड उसका मतलब नहीं है क्योंकि हमें 17, 18, 19 करना है, 15, 16 नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है, समूह से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा स्ट्रीम में से कम बहुत, मतलब मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आया है तो मैं आपको बता दूँ इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रैबिट। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कंपाइलर क्या है, कंपाइलर एक्चुअल में क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ना तो ये हार्डवेयर है ना ही सॉफ्टवेयर है, ये कार्ड है। मतलब हमने चारों क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ दिए हैं, मैंने एक साथ पढ़ी हैं। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, आपका टाइम बच जाए तो आप आंसर दीजिएगा, वीडियो को पुश कीजिएगा और क्या रहेगा आंसर देने की कोशिश करिएगा। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ये हार्डवेयर है, सॉफ्टी ये सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक सभी को आता होगा क्वेश्चन का आंसर, नासा का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, वॉशिंगटन में है, बॉस्टन में है या टेक्सास में है। सभी का आंसर आना चाहिए, अगर आपको आंसर आता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए, नहीं आता है तो आंसर देखिए फ्रेंड्स इसके बाद में। फ्रेंड्स आप नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ये आंसर जो है, क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन रहेगा वॉशिंगटन में, कहाँ पर है, वॉशिंगटन में है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप जो है लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और मैं बहुत ही जल्दी जो है आपको चुनाव से रिलेटेड जो रहेगी, राजनीति से रिलेटेड जो रहेगा वो क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है मे बी 2-3 क्वेश्चन वो डल जाए, किसी भी एग्जाम में आ सकता है 1-2 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर आप, मैं अगर 100 क्वेश्चन कराऊंगा तो डेफिनेटली वही क्वेश्चन कराऊंगा, 100 क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। राज्यसभा को किस नाम से हम जानते हैं, राज्यसभा को तो राज्यसभा के नाम से जानते हैं लेकिन किस और चीज़ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है आपके पास विधान परिषद, ऑप्शन बी वरिष्ठ सदन, ऑप्शन सी उचित सदन या ऑप्शन डी निम्न सदन। आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए आपका, 10 सेकंड 20 सेकंड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए, वीडियो पुश कीजिए और बताइए क्या रहेगा। तो यहाँ पर आंसर रहेगा उच्च सदन, यानी कि अपर हाउस हम इसे बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, ये बारूद बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं मुख्य रूप से। ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी लेड सल्फेट, या ऑप्शन डी है, सॉरी सी है, ऑप्शन डी पर यस, ऑप्शन डी रहेगा जिंक सल्फाइड। तो फ्रेंड्स कमेंट आना चाहिए आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है। ओके, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट, जो है मुख्य रूप से बारूद बनाने के सामानों में यूज़ किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, पेटाफ्लॉप्स जो यूज़ करते हैं। देखिए अभी जो फिलहाल में जो हमारा कंप्यूटर है, पहला कंप्यूटर की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, पहला कंप्यूटर का तो आपको आंसर देना है, लेकिन बता दूँ आपको, आपको एक आंसर और बताना है, क्या बताना है, देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप कमेंट कीजिएगा जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अगर आप ढूंढ के कमेंट करेंगे तो फ्रेंड डेफिनेटली आपको जिंदगी भर तक याद रहेंगे, और क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप फ्रिक्वेंटली बिना ऑप्शन को देखिए आंसर बता देंगे। तो फ्रेंड मैं बता दूँ आपको, पहले क्वेश्चन पूछ लूँ, इनका आंसर बता दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताइए
अभी जो पुणे में कंप्यूटर रखा हुआ है सुपर पेटाफ्लॉप कंप्यूटर है, बहुत ही मल्टी पेटाफ्लॉप कहेंगे उसे, सुपर कंप्यूटर है। और फ्रेंड्स देखिए वो भारत का सबसे अच्छा कंप्यूटर में से माना जाता कंप्यूटर है और ये करंट अफेयर में भी है क्योंकि ये 2018 में अभी भी आया हुआ है। तो ये पुणे में जो कंप्यूटर है वो किस संस्थान में रखा हुआ है और इसका नाम क्या है ये आपको बताना है, और इसका आंसर रहेगा परम कंप्यूटर था जो हमारा सुपर कंप्यूटर पहला कहलाया। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछा गया आपसे एनटीपीसी में, मानव श्वसन में क्या छोड़ता है। सबसे पहली बात है मानव लेता क्या है ऑक्सीजन और छोड़ता है क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है सिंपल सा आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टेनलेस स्टील क्या है, स्टेनलेस स्टील यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है या मिश्र धातु है। वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आंसर आता है तो आंसर कमेंट कीजिए, नहीं आता है वीडियो को आगे देखिए क्या रहेगा इसका आंसर, आंसर रहेगा ऑप्शन डी जो स्टेनलेस स्टील है वो है मिश्र धातु, क्या है मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता भी हमने कंप्लीट कर दी है, बहुत इंपॉर्टेंट कि मौर्य जो है जो आपका अशोक सम्राट थे उनके भी हमने लगभग क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, मैंने हर जो है हिस्ट्री के भी 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं मैंने, ठीक है सिंधु घाटी के भी 100 क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने, और अब मैं भूगोल के क्वेश्चन कराऊंगा आपको 100 क्वेश्चन जो कि आपको मिलने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो सब्सक्राइब, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। ओके आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, ईंटों के भवन जो थे वहाँ पर महत्वपूर्ण थी, अगर यहाँ पर जो प्रणाली होती नाली की प्रणाली होती या फिर व्यवस्था होती वो भी हमारी जो कि एक तरह की शहरी व्यवस्था होती वो भी हमारा आंसर सही रहता, लेकिन यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली जो कि विशेष नहीं थी, स्थानीय परिवहन प्रणाली वो ये भी विशेष नहीं थी, प्रशासनिक प्रणाली इतनी ज़्यादा विशेष नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बता दूँ ये क्या चीज़ थी विशेष, यहाँ पर ईंटों के मकान बनाए गए थे। ओके अगला क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पर स्वतंत्रता की प्रतिमा जो है इसको कहते हैं हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो कहाँ पर है, इस क्वेश्चन बहुत सिंपल है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन है हमारे पास पेरिस, वाशिंगटन, जिनेवा या न्यूयॉर्क, जल्दी से आंसर आना चाहिए आपका क्या रहेगा, पेरिस, वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, यहाँ पर ऑप्शन आपके इसलिए ऐसे रखे गए हैं कि फ्रेंड आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि ये पेरिस जो है कहीं पर किसी चीज़ का संग्रहालय है, वाशिंगटन भी संग्रहालय है, ओके संग्रहालय नहीं कहूँगा एक तरीके का एक बहुत बड़ा देश बहुत बड़ा जो है शहर है, जिनेवा भी एक किसी संस्था का जो है वहाँ पर संग्रहालय है, न्यूयॉर्क बहुत बड़ी सिटी है, यहाँ पर इस प्रकार कन्फ्यूजन क्वेश्चन रखे गए हैं, तो आपको आंसर देना है आंसर रहेगा न्यूयॉर्क। ओके अगला क्वेश्चन नहीं है हमारे पास क्योंकि देखिए फ्रेंड वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी अगर वीडियो देखी है आपने पसंद आई है तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को जितना उसने शेयर करने की कोशिश करिए, अगर शेयर करेंगे फ्रेंड्स और वीडियो बढ़ेगी और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद एक बेल का आइकन आएगा उसको दबा दीजिएगा जिससे कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो का अगर आपने अंत तक देखा है तो फ्रेंड आई थिंक आपको अच्छी लगेगी, तो फ्रेंड आई थिंक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा, धन्यवाद आपके इस वीडियो को देखने के लिए और आपके सपोर्ट के लिए, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।